क्रिकेट की आलमी जंग दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टकराव आज होगा। पाकिस्तानी शाहीन भारतीय सुरमाओं को दबोचने के लिए तैयार। अहमदाबाद स्टेडियम में सजेगा आज मैदान। इब्तदाई मैचों में फतूहत के बाद दोनों टीमों का मोराल बुलंद। मैच से पहले म्यूजिकल तकरीब के लिए रिहर्सल भी की गई। क्रिकेट मुकाबला 1:30 बजे शुरू होगा। शायकीन मैच के लिए पुरजोश। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का भारत के खिलाफ जीत का अज़्म। कहते हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, कोशिश है कि कम से कम गलतियां करूं। ना ही एक मैच की वजह से कप्तानी मिली थी, ना ही जाएगी। अंडर लाइट्स बैटिंग आसान होगी, गलतियां नहीं दोहराऊंगा। भारत के खिलाफ टॉस बहुत अहम होगा। उधर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ की कौमी टीम से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए। नवाज शरीफ ने मुल्क को दहशतगर्दी और तवानाई बहरान से निकाला। दबाव के बावजूद मुल्क को एटमी ताकत बनाया। अब भी मौका मिला तो मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ का माजी सब जानते हैं, उन्होंने हमेशा मुल्क की खिदमत की। मरियम औरंगजेब बोली कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की नहीं, मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। चेयरमैन पीटीआई ने सियासी बुनियादों पर क़यादत के खिलाफ मुकदमात बनाए। हम आज भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। 21 तारीख को नवाज शरीफ अपना विजन पेश करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। दहशतगर्दी को खत्म कर दिया गया था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेखपुरा में जलसे से खिताब, बोले दिन रात एक करके 20-20 घंटों की लोड शेडिंग का खात्मा किया। नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान की तरक्की के लिए वापस आ रहा है। हमारी हुकूमत ने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई, मेरी जान चली जाती परवाह नहीं, मकसद रियासत बचाना था। नवाज शरीफ इकतदार में आए तो कारोबार भी चलेंगे और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। ख्याल रख रहे हैं कि कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को परेशानी ना हो। कलअदम TTP से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। निगरान वज़ीरे आज़म इनवारुल हक का कड़का पेशावर में इजलास से खिताब, बोले स्मगलिंग और करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमती इकदाम से अमरीकी डॉलर की कीमत कम होगी। स्मगलिंग और ज़खीरांदोज़ी रोकने के लिए फौज की मदद लाई के तहसीन है। वज़ीरे आज़म की खैबर पख्तूनख्वा को माली और दीगर मसाइल हल करने की यकीन दहानी। और सर्द हवाएं मुल्क में दाखिल, मौसम ने अंगड़ाई ले ली। अटक और आज़ाद कश्मीर और मरी में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में सर्द मौसम। आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों और आंधी का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा।